नमस्कार, MBM एडुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबरों तथा उससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस को। तो आज की पहली बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश के चंबा में महसूस हुए भूकंप के झटके, जान माल का नुकसान नहीं। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का नाम आया है। चलिए देखते हैं हिमाचल प्रदेश तथा भूकंप से जुड़े कुछ क्वेश्चंस। इससे जुड़ा पहला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? पहला ऑप्शन है बैरोमीटर, दूसरा कार्डियोग्राफ, तीसरा रिक्टर स्केल, चौथा कंपास। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, रिक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से नापा जाता है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता तथा उससे जुड़े नुकसान आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। 6 के बाद ये स्ट्रांग हो जाता है, 7 के बाद ये मेजर हो जाता है तथा 8 के बाद ये ग्रेट हो जाता है। 6 के बाद भूकंप से नुकसान ज़्यादा होता है। जब रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6 से ज़्यादा हो तो भूकंप से नुकसान ज़्यादा होने की संभावना होती है। आज की दूसरी बड़ी न्यूज़ है, वंदे भारत मिशन के तहत ढाका से कोलकाता पहुँचे 169 भारतीय। वंदे भारत मिशन भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक मिशन है, जिसके तहत विदेश में फंसे हुए भारतीयों को लाया जा रहा है। इसके तहत ही ढाका से कोलकाता एक हवाई जहाज आया है, जिसमें 169 भारतीय आए हैं। तो आइए देखते हैं ढाका यानी कि बांग्लादेश तथा पश्चिम बंगाल से जुड़े कुछ क्वेश्चंस। इससे जुड़ा पहला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला ऑप्शन दुधवा, दूसरा सुंदरवन, तीसरा मानस, चौथा गुलमर्ग। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, पश्चिम बंगाल का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान सुंदरवन है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग कब हुआ? पहला है 1965, दूसरा 1948, तीसरा 1971, चौथा 1999। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, 1971। आपको पता होगा कि बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश एक नया देश बना, स्वतंत्र देश बना तथा पाकिस्तान से अलग हुआ। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पहला पद्मा, दूसरा जमुना, तीसरा गंगा, चौथा मधुमती। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इससे जुड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जान लेते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि हमारे राष्ट्रगान के लेखक हैं, इन्होंने ही बांग्लादेश के राष्ट्रगान की रचना की है। मतलब बांग्लादेश तथा भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। तथा दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जिसे सुंदरबन के नाम से भी जाना जाता है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा इंडिया और बांग्लादेश और नीचे सुंदरबन डेल्टा। जितना भी ये ग्रीन कलर है, ये सुंदरबन का डेल्टा है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसे सुंदरबन डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहते हैं। आज का अगला न्यूज है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बराक ओबामा को बताया अयोग्य राष्ट्रपति। चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कशन करते हैं। इससे जुड़ा पहला क्वेश्चन है, अमेरिका को आज़ादी कब मिला? पहला 1776, दूसरा 1778, तीसरा 1600, चौथा 1785। इसका पहला ऑप्शन सही है, 1776। दूसरा क्वेश्चन, अमेरिका में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? पहला ऑप्शन 5 बार, दूसरा 2 बार, तीसरा 1 बार, चौथा चाहे जितनी बार। इसका दूसरा ऑप्शन सही है, अमेरिका में एक व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? पहला वाशिंगटन, दूसरा अब्राहम लिंकन, तीसरा क्विंटन, चौथा बराक ओबामा। इसका पहला ऑप्शन सही है, वाशिंगटन। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। इसका क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच कितने युद्ध हुए हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से जो ऑप्शन सही हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसका आंसर कर लेंगे। वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।